हैं, और दूसरा आपने घरेलू डोमेस्टिक मार्केट में मेटल्स का क्या अट्रैक्शन है। सो जहाँ तक डोमेस्टिक मार्केट का सवाल है, वहाँ मेटल्स में अट्रैक्शन बनी रहेगी, बिकॉज यहाँ पे जो जिस तरीके से इंफ्रा स्पेंडिंग हो रही है रियल स्टेट में, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अराउंड 12 से 15% का एनुअलाइज ग्रोथ तो यहाँ पर मिलना ही मिलना है। प्रॉब्लम तब आता है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेटल के प्राइसेस गिरते हैं,